निज़म सैयद नफीस इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तारुफ हो जाए, मेरा नाम सैयद शाह रज़ी अहमद शमसी है और मैं रिश्ते में लड़की का चचा भी हूँ और मैं आपके इस निकाह का वकील भी हूँ और काजी भी हूँ। आपके इस निकाह में दो गवाह खास हैं। गवाह अव्वल हैं जनाब सैयद शान अहमद रजहती साहब, ये हमारे बाएँ जानी बैठे हैं। इनके वालिद का नाम मरहूम सैयद फखरुल इस्लाम साहब है, ये किला रोड हुसैनाबाद जफला पलामू के रहने वाले हैं। और गवाह दोम हैं जनाब सैयद शाह रिजवान अहमद साहब इब्न सैयद शाह मुमताज़ अहमद साहब, जो शाही महल्ला अरवल बिहार के रहने वाले हैं। आपके इस निकाह में जो महर की रकम तय की गई है वो 51,000 रुपये सिक्का राजवा माँ नान नफ़ा और सुकना की। ये माँ नान नफ़ा और सुकना ये हैं क्या? ये सिर्फ निकाह के अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको इस मजलिस निकाह में लड़का कबूल करता है और उसके ताल्लुक से अहद करता है। तो नान से मुराद लड़के के खाने पीने की भी जिम्मेदारी और नफ़ा से मुराद उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की साजो सामान की जिम्मेदारी और सुकना से मुराद लड़की के रहने का इंतज़ाम, ये सारी चीज़ें लड़की के ऊपर आयत होती है। इसलिए नान नफ़ा और सुकना का भी इसमें इजहार किया जाता है। बकिया जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं सब के सब आपके इस निकाह के गवाह हैं। तो सबसे पहले बुज़ुर्गों के तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए तौबा और तजदीद ईमान, चूँकि बग़ैर ईमान के निकाह कायम नहीं होता और इंसान अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में ऐसे कलिमात मुँह से निकाल देता है कि जो अज़रुए शरा काबिले गिरफ्त होते हैं। लिहाजा बुज़ुर्गों के तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तौबा करें, पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كثيرا. معزز حاضرين الكرام، जिस बज़्म में हम और आप सभी लोग हाजिर हैं ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत है। और प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने
निकाह की ताकत रखते हुए सारी वसअतें रहते हुए अगर उसने निकाह से मुंह मोड़ा, निकाह से एराज किया तो वो मेरे तरीक़े कार पर नहीं। मालूम यह हुआ कि निकाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद है और ये निकाह का जो तरीक़ा शरीयत ने मुकर्रर किया है इसमें कुछ बातें खास हैं। एक चीज़ ये है कि निकाह का ऐलान किया जाए, ये भी बेमकसद नहीं, ये भी मकसद के तहत है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि निकाह का ऐलान किया जाए, निकाह चोरी छुपे न किए जाए, ताकि लड़के वालों का खानदान भी बदनामी से महफूज रहे और लड़की वालों का खानदान भी बदनामी से महफूज रहे, ताकि मुआशरे में लोग ये जाने कि फलां की बेटी का अक्द फलां के बेटे के साथ हुआ है। और इससे होता यह है कि जब अक्द मसनून हो जाता है तो दो खानदान जिनका ताल्लुक एक दूसरे से काफी दूरी होती है, इस्लामी नाता तो जरूर होता है लेकिन निकाह दो खानदान को मिला देता है। लिहाजा ऐसे मौके पर चाहिए कि एक दूसरे का कोऑपरेट करें और दुआ ये करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सुनहरी घड़ी में हमें जमा किया है, तो इस मौके पर जो दुआएं कबूल जो दुआएं की जाती हैं अल्लाह तबारक व ताला की नजर रहमत ऐसी मजलिसों पर होती है और वो दुआएं रब की बारगाह में मकबूल होती है। यही वजह है कि निकाह के बाद काजी जो होते हैं वो दुआ करते हैं, ज़ौजैन के लिए भी दुआ करते हैं और हाजरीन के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम लोगों के ईमान के सलामती की दुआ करते हैं, अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। गर्ज के मकसद ये है कि इस मौके पर जो दुआएं होती हैं वो दुआएं रब को हर दर्जा पसंद हैं, लिहाजा दुआ में शरीक हों। और दूसरी चीज है गवाह का होना, ये भी शर्त है, बगैर गवाह के निकाह मुनाकिद नहीं हो सकता। अल्लाह न करे किसी के घर में ऐसी जरूरत पड़े कि गवाहों को पेश करने की जरूरत हो, बल्कि गवाह इसलिए मुकर्रर किए जाते हैं ताकि समाज में कभी कोई उंगली उठाए कि ये बुरा शख्स है, ये बुरी लड़की है, तो समाज वाले इस बात की गवाही दें कि नहीं भाई तुम्हें मालूम नहीं है, ये अक्दे मसनून मेरे सामने हुआ है, मैं इस बात का गवाह हूं। बहरहाल अक्दे मसनून में जो खुतबे पढ़े जाते हैं खुतबे का सुनना वाजिब है, चाहे वो ईदैन का खुतबा हो, चाहे निकाह का खुतबा हो, चाहे नमाज इस्तिस्का के मौके पर खुतबे पढ़े जाएं, तमाम खुतबों का सुनना वाजिब है, गौर करना जरूरी है। बहरहाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम से ये खुतबा मरवी है जो अभी पढ़ा गया। ये खुतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अक्द के मौके पर जब अक्द पढ़ाया था तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये खुतबा इरशाद फरमाया था, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और उल्फत की दुआएं की थी और लोगों को एक सलीका बताया था, एक तरीका बताया था कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। लिहाजा ज़ौजैन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत कायम रहे और ऐसे और ज़ौजैन में दोनों को यानी ज़ौज और ज़ौजा दोनों को एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का ख्याल रखना जरूरी है, एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना जरूरी है, एक दूसरे के खानदान का ख्याल रखना जरूरी है और इनके जिम्मे जो इस्लाम ने इनके हुकूक दिए हैं उन हुकूक के अदा करने में कहीं कोताही न करें। लिहाजा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें मोमिन बनाया है, हमारे लिए शरीयत मुतहरा अता फरमाया है, हमें सिरात मुस्तकीम दिखलाया है और एक कानून दिया है। ये मजहब ऐसा है कि ये बगैर कानून के नहीं है और अल्लाह का फजल है, इसके जो कानून है तमाम कानूनों से बालातर ये कानून है, इससे बेहतर दूसरा कोई कानून नहीं। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस्लाम ने लड़कियों को माँ बाप के विरासत में हक दिया है, दिया है ना भाई, सिर्फ लड़कों का ही हक नहीं, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने अब
आज से तकरीबन 10 साल पहले ये कहा कि माँ बाप के विरासत में लड़कियों का हक है। इन्हें बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जैसे लड़कों का हक बताया था, वैसे ही कुरान मुकद्दस में लड़कियों के हुकूक भी बताए हैं कि लड़के को कितना देना है, लड़कियों को कितना देना है। गर्ज के इस्लाम ने लड़कियों की अजमत बढ़ाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे, आका ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह तबारक व ताला ने 3 बेटियां दी हैं, इनकी अच्छी परवरिश की, अच्छी परदाफ्त किया, अच्छी तालीम दी, अच्छा शऊर दिया, अच्छी फिक्र अता फरमाई, तो अल्लाह तबारक और वक्त बालिग होने के बाद इन्होंने अच्छे खानदान में अच्छे दीनदार लड़के से अक्द कर दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला के जिम्मे वाजिब हो जाता है कि उसे जन्नत अता फरमाए। एक सहाबी खड़े हुए जिनके 2 साहिबजादियां थी, अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर किसी की 3 न हो किसी की 2 ही हो, आका ने इरशाद फरमाया कि अगर दोनों की परवरिश शरीयत इस्लामिया के मुताबिक करते हैं, अब्द कर देते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। फिर एक सहाबी और खड़े हुए जिनकी सिर्फ 1 बेटी थी, उन्होंने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह अगर किसी की 1 बेटी हो, आका ने इरशाद फरमाया एक बेटी के लिए भी वही मर्तबा है जो 3 बेटियों के लिए है, लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों की अपने बच्चियों की अच्छी परवरिश करें, इसलिए कि आगे चल करके इन्हें दीन का मुहाफिज बनना है, मुल्क का मुहाफिज बनना है, दीन की मोहब्बत भी इनके दिल में डालें और अपने मुल्क की मोहब्बत भी इनके दिल में डालें। अगर दीन पर आंच आती है तो दीन की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं, और अगर मुल्क पर कोई खतरा मंडराने लगे तो मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पर खड़े नजर आए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस टूटे फूटे बयान को कबूल फरमाए और तमाम हाजरीन के दिली जायज मकासिद को पूरा फरमाए और होने वाले अक़्द मसनून को रब तबारक व ताला कबूल फरमाए, ज़ौजैन के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम शारजी अहमद शमसी है और मैं तुम्हारी इस निकाह का काजी भी हूँ और लड़की की तरफ से मुझे वकील भी है। तो मैं बहसत काजी और वकील की अजीज़ा सैयदा आयशा शमसी उर्फ़ तहरीम नास बिन्त सैयद शाह सफ़र हुसैन शाही महल्ला अरवल बिहार की रहने वाली, बड़े बस 51,000 रुपये सीधे राय माना नफका और सुखना के इन दो गवाहान की मौजूदगी में गवाह अव्वल हैं जनाब सैयद शान अहमद रजहती साहब इब्न मरहूम सैयद फखरुल इस्लाम साहब जो किला रोड हुसैनाबाद जपला पनामू के रहने वाले हैं, और गवाह दोम हैं जनाब सैयद शाह रिजवान अहमद साहब इब्न सैयद शाह मुमताज़ अहमद साहब जो शाही महल्ला अरवल बिहार के रहने वाले हैं। इन दोनों की मौजूदगी में और तमामी हाजरीन की मौजूदगी में तुम्हारे अक़्द में दिया क्या तुमने कबूल किया? अज़ीज़म सैयद नफीस इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहसते काजी और वकील के अजीज़ा सैयदा आयशा शमसी उर्फ तहरीम नास बिन्त सैयद शाह ज़फ़र हुसैन बड़े बस 51,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त माना नफका और सुकना है। इन दो गवाहान की मौजूदगी में गवाह अव्वल हैं जनाब सैयद शान अहमद रजहती साहब इब्न मरहूम सैयद फखरुल इस्लाम साहब जो किला रोड हुसैनाबाद जपला पनामू के रहने वाले, और गवाह दो में जनाब सैयद शाह रिजवान अहमद साहब इब्न सैयद शाह मुमताज़ अहमद साहब जो शाही महल्ला अरवल बिहार के रहने वाले हैं। इन दोनों की मौजूदगी में और तमामी हाजरीन की मौजूदगी में तुम्हारे अक़्द में दिया क्या तुमने कबूल किया? कहो कबिल तो नकह तो ज़वज तो। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا باري لنا بما نوازا كريما كارسازا ऐ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ गफूर रहीम, ऐ हम सब के पालनहार मौला, हमने तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक
इस मजलिसे निकाह को कायम किया। मौला करीम अपनी करीमी के सदके इस मजलिसे पाक को कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। ऐ रब्बे कदीर, इस मजलिसे पाक में जिन दो लोगों को रिश्ते अदवार में मुंसलिक किया गया, मौला करीम इन दोनों से माबैन वो प्यार वो मोहब्बत वो इज्जत अता फरमा। रब्बे कदीर, इन दोनों के दरमियान वही मोहब्बत वही प्यार वही उल्फत अता फरमा जो मोहब्बत तूने हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो वसलाम को हज़रत सैयदा सारा व सैयदा हाजरा से अता फरमाई। आमीन। आमीन। ऐ मेरे मौला, इन दोनों के दरमियान वही मोहब्बत अता कर जो मोहब्बत तूने हज़रत सैयदना मूसा को हज़रत सफूरा से अता किया था। आमीन। ऐ रब्बे कदीर, इन दोनों के माबैन वो प्यार वो मोहब्बत वो उल्फत वो खलूस वो जज्बे वफादारी अता फरमा जो तूने आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीका व दीगर अज़वाज मुतहरात से अता की थी। ऐ मेरे मौला, इन दोनों को वही प्यार दे दे जो प्यार तूने मौला अली शेर खुदा को खातून जन्नत सैयदा फातिमा जहरा से अता किया। आमीन। ऐ मेरे मौला, इस शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमा। आमीन। ऐ मौला, इस जोड़े को हर किस्म के आफात अर्दी से महफूज व मामून फरमा। आफात अर्दी आफात समावी से महफूज व मामून फरमा। अशरार के शर से बचा। हासिदीन के हसद से महफूज व मामून फरमा। ऐ मौला करीम, इन दोनों के दरमियान वो प्यार वो मोहब्बत वो उल्फत वो खलूस वो जज्बे वफादारी अता कर जो तूने अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अजवारे मुतहरात के दरमियान अता की थी। ऐ पाक परवरदिगार, दोनों को ये तौफीक दे कि दोनों एक दूसरे के वालिदैन का पासो लिहाज रखें, एक दूसरे के रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक इख्तियार करें, एक दूसरे की जिंदगी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। मौला करीम, हम सबको भी शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं लफ्जिशों को दरगुजर फरमा, हम सबका اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين जाइए शाम भाई हाँ हाँ अल्लाह ताला गरम फरमाए भैया और ये सब अभी बाकी है। भाईजान तुम बैग में रखो, ये चीज है अभी तुम्हारे जिम्मे अभी रुक जाइए।